हेलो एवरीवन वेलकम टू जी सेंट्रिक तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू करें उपैम के क्वेश्चंस सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उपैम के लिए ये डिस्कशन uh, कंटिन्यू किया था सो इन द टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग डिस्कशन विद द क्वेश्चन दैट वाज आस्ट इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन टू जीरो टू पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था सो so, uh, इसको एक तरह से इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इनफैक्ट आसान क्वेश्चन है सो चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को द आउटपुट वी नॉट ऑफ द आइडियल ओपैम यूज इन द सर्किट शोन बिलो इज फाइव बोल्ट ओके वी नॉट की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है फाइव बोल्ट ओके देन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर एल इन किलो ओम इज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू फाइव बोल्ट है तो आपसे पूछा गया है कि जो रजिस्टेंस यहां पर कनेक्टेड है आर एल उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ओके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2.5, 25, 5 एंड 50। सो सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए इसको सबसे पहले अगर हम इस सर्किट को नोटिस करते हैं तो हमें वी नॉट यहां पर प्रोवाइड किया गया है फाइव बोल्ट और यहां पर आपसे आर की वैल्यू पूछ ली गई है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर जो वी नॉट है उसके नॉन होने पर हम आसानी से यहां का वोल्टेज सपोज मैंने मान लिया कि ये वोल्टेज है v1 उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं ओके सेकंड थिंग यहां से अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्टिवली इसको आपने सपोज दैट मान लिया कि ये है v2 इसको आपने मान लिया है v2 अब जो v2 की वैल्यू है उसे हम वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू v0 डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से v1 पर भी हम सीएल लगाकर आसानी से वी नॉट के रिस्पेक्टिवली उसका रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं और दोनों रिलेशन को यूटिलाइज करके हम आर एल की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं आसानी से चलिए तो सबसे पहले अगर हम देखें V2 की वैल्यू यहां पर तो आप एक चीज समझिएगा यहां पर जो V2 कनेक्टेड है इसके साथ सॉरी इसके साथ जो 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इधर से मान लीजिए करंट आया सपोज दैट I1 बन ओके अब इस करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए था एक करंट इधर जाना चाहिए था एक करंट इधर जाना चाहिए था बट उपायम के अंदर करंट कितना जाएगा जीरो इट्स अ जनरल थिंग दैट वी हैव टू बी कंसिडर अंडर द आइडियल उपैम केस सो हम ये मान के चलते हैं कि जो उपायम का करंट है वो कितना है जीरो है अंटिल अनलेस कुछ स्पेशली आपको मैंशन कर दिया जाए ओके okay? दूसरा यहां पर मेंशन किया भी है आइडियल उपायम है ओके सो ऑब्वियसली द करंट मस्ट बी जीरो इनटू द उपायम ये जनरल क्राइटेरिया हम कंसीडर करके चलते हैं अंटिल unless कोई स्पेशल कंडीशन आपको मेंशन कर दी गई हो दूसरी चीज यहां पर नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट है हालांकि यहां पर दोनों फीडबैक प्रेजेंट है सो नेगेटिव फीडबैक इफेक्टिवली यहां पर कंसीडर किया जाएगा डेफिनेटली तो हम एक चीज समझते हैं नेगेटिव फीडबैक जब हम कंसीडर करते हैं तब opam वर्क करता है इन द लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन सो जिसमें opam के अंदर इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज इज इक्वल टू होता है इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट ओके तो एक तो चीज हमने ये समझी कि यहां से वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके हम V2 और V1 में इक्वल वैल्यू बोल सकते हैं दोनों की और दूसरा हम वी की वैल्यू को अगर कर डिटर्माइन करें तो सिंपली समझिएगा I1 करंट यहां से चला इधर इधर कौन सा करंट जाएगा इस तरफ भी डेफिनेटली करंट जाएगा I2 सपोज आपने आई मान लिया बट वन थिंग इज वेरी क्लियर हियर दैट इज आई बन इक्वल टू आई टू बिकॉज उपैम में करंट जा रहा है जीरो आई इज इक्वल टू जीरो सो ऑब्वियसली हियर आप बोल सकते हैं आई वन इक्वल टू आई टू सो अगर आई बन की वैल्यू अगर मैं लिखूं कितना आएगा बोलो जीरो माइनस बी टू डिवाइडेड बाय टेन किलो ओम इज इक्वल टू अब यहां से आई टू कितना जाएगा वी टू माइनस वी नॉट अपॉन टेन क्यू वी टू माइनस वी नॉट अपॉन टेन सो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास यहां से वी टू की वैल्यू आ जाएगी वी टू इज इक्वल टू अगर आप इसको भेजें तो टू वी टू इज इक्वल टू वी नॉट सो वी टू इज इक्वल टू आ गया वी नॉट बाई टू सो वी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी कितनी दी गई है फाइव बोल्ट तो वी नॉट की वैल्यू हो गई फाइव बोल्ट तो हमारे पास वी टू आ गया टू पॉइंट फाइव बोल्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ वी टू हालांकि हम इतना इसमें नहीं भी करते और डायरेक्टली वोल्टेज डिविजन रूल इसमें लगा देते क्योंकि दस किलोम दस ओम के जो रजिस्टेंसेज हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं तो जब भी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क फॉर्म होता है हम आसानी से यहां से v2 टू इक्वल टू वी नॉट इन टेन के अपॉन टेन के प्लस टेन के लिख सकते हैं क्लियर है तो ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था आसानी से आप इसको रियलाइज कर सकते हैं ओके सेकेंड थिंग नाउ हम बोल सकते हैं ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट टिंग नोट वोल्टेज इज इक्वल टू इनवर्टिंग नोट वोल्टेज सो यहां पर इनवर्टिंग नोट वोल्टेज है ऑलरेडी तो कैलकुलेट की हुई है दैट इज टू पॉइंट फाइव वोल्टो दोस्तों हमारे पास यहां पर वी टू की वैल्यू अब आ चुकी है चलिए अब सर्किट पर एक बार आप ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है यहां से देखिए अब हमारे पास वीवन की वैल्यू नोन है तो क्या हम आसानी से यहां पर केसीएल अप्लाई कर सकते हैं ऑन दिस नोट वी वन के जब आप अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपके पास रिलेशन आ जाएंगे और हम आर एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे देखिएगा यहां का वोल्टेज आपको दिया गया है फाइव वोल्ट यहां का वोल्टेज हो वो चुका है टू पॉइंट फाइव सो अब मैं यहां पर केसीएल अगर अप्लाई करूं सपोज दैट मैंने मान लिया कि सभी करंट आउट गोइंग है सपोज आपने माना कि ये है करंट सपोज आई थ्री इधर करंट गया आई फोर ओके और इस ब्रांच में करंट गया I5 तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो V1 नोड है उस पर तीन करंट हो गए I3 I4 I5 और 0, according to, according to था था सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द क्रिच करंट लॉ के था था। के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल केसीएल एट नोड वी सो सम ऑफ ऑल आउट डूंग करंट इज टू बी जीरो तो ये है आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव इक्वल टू क्या आ गया जीरो अच्छा आई थ्री की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं देखो जरा आई थ्री इस रेजिस्टेंस टेन किलोम में फ्लो हो रहा है मतलब मैं लिख सकता हूं वी वन माइनस वी नॉट अपॉन टेन के यस आई थ्री इक्वल टू क्या हो गया वी वन माइनस वी नॉट अपॉन टेन के प्लस आई फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो I4 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से V1 माइनस यहां का वोल्टेज कितना है बोलो जीरो वोल्ट एक्जेक्टली सो V1 माइनस जीरो अपॉन आर एल वीबन माइनस जीरो अपॉन आर एल प्लस आई फाइव की वैल्यू अगर हम यहां से लिखते हैं I5 फाइव देखिए आई फाइव यहां पर इस नोट पर करंट अगर हम देखें तो इस इनपुट टर्मिनल जो है उपाम का उस पर करंट जाएगा जीरो करंट no so विल फ्लो इन टू दो ऑब्वियस आई फाइव करंट पूरा इससे फ्लो होगा तो यहां पर बन वोल्ट है यहां पर वीवन. तो क्या लिखेंगे? हो yes. हो गया. वन टेन के. ये हमारे पास complete equations यहां से हो चुकी है. इज इक्वल टू जीरो अब अगर आप इसको रीअरेंज करें सिंपली यहां से हमारे पास जो नोन है वो V1 नोन है वी नॉट नोन है एल अकेला है जो अनून है क्लियर है तो चलिए तो वी बन अपॉन आर एल इज इक्वल टू इस पूरे को हम उधर भेज देते हैं ब्रैकेट यह हो जाएगा वी नॉट माइनस वी बन डिवाइडेड बाई टेन के ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी बन बाय टेन के चलिए तो वी वन की वैल्यू है दोस्तों टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव अपॉन आर एल इज इक्वल टू नॉट की वैल्यू है फाइव सो so यहां पर आएगा फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव यानी टू पॉइंट फाइव बाय टेन के और इसकी वैल्यू यहां पर है कितनी टू पॉइंट फाइव डू वी हैव मेड एनी मिस्टेक इन दिस रियलाइज इतना करेक्ट लिखा है यहां तक वी वन माइनस वी नॉट अपऑन टेन के प्लस वी वन माइनस जीरो वी वन माइनस जीरो अपॉन आर एल प्लस वी वन माइनस वन अपॉन टेन के ओके यस यहां पर एक एक आ, ये वैल्यू मिसिंग थी इसको लिखेंगे प्लस वन बाय टेन आई एम सॉरी ये वैल्यू भी कंसिडर की जाना चाहिए यहां से और ये हो गया अपना माइनस ऑफ टू पॉइंट फाइव अपॉन टेन के और प्लस यहां पर आ गया वन अपॉन टेन के ये लिखा हमने अब यहां से डायरेक्टली अगर आप सॉल्व ये दो, दोनों कैंसिल हो गए आर एल इज इक्वल टू आ द करेक्ट आंसर चलिए स्क्रीन को पॉज करें और इस पूरे डिस्कशन को आप नोट कीजिएगा लिखा आपने के सी एल एट नोड वी वन So, यहां से हमने सॉल्व किया सबसे पहले स्टेप में आंसर कौन सा वैल्यू को डिटरमाइन किया सेकेंड स्टेप में हमने वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट को यूज किया सो दैट हमने कंक्लूड किया, so किया कि V2 टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा और यहां से हमने डायरेक्टली के अप्लाई किया एट नोड V1 और उस की इक्वेशन को यूज करके डायरेक्टली आपने की वैल्यू को यहां से से कैलकुलेट कर लिया देखिए इस तरह से। पहला स्टेप 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 हो हो गया हो गया ये एंड थर्ड दिस और फाइनल okay? हाँ जी इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स uh, है जी एप्लीकेशन पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसमें है काफी है ना तो आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इसमें पे करने की जरूरत नहीं है कूपन कोड भी आप इसमें लगा सकते हैं टू ट्वेंटी नाइन का कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा लगभग और इक्कीस सौ तेईस रुपए में इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं ओके सो so, ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए थी अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसिडर द सर्किट विथ एन आइडियल उपैम शोन इन द फिगर सो यहां पर एक आइडियल उपयम आपको दिया गया है सर्किट के अंदर ओके okay, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ओके एजूमिंग वी इन इज लेस देन लेस देन सी यानी कि जो वी इनपुट है यानी ये वाला जो वोल्टेज है वो सेच्य वैल्यू से वी से बहुत कम है ओके वी रेफरेंस जो है वी आर माइनस प्लस वी आर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड वी सी से क्या है बहुत कम है ओके okay, और ये टर्मिनल तो ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है ही यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोडैम का ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो इन्वर्टिंग नोड है उस पर जो सप्लाई कनेक्टेड है चाहे वो वी इन हो या वी रेफरेंस हो दोनों की वैल्यू वी सी सी से क्या है बहुत ज्यादा कम है क्लियर ऐसा मेंशन किया गया द कंडीशन एट विच वी आउट इक्वल टू जीरो आपको बताना है वो कंडीशन जिस पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी जीरो दैट्स अ क्वेश्चन चार ऑप्शन दिए गए v इन इक्वल टू पॉइंट फाइव वी आर ऐसा होगा v इन इक्वल टू टू प्लस वी, वी पर ऐसा होगा या इस पर होगा या इस पर होगा चार ऑप्शन आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए इट्स वंस अगेन अ सिंपल क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में 2021 के पेपर में ओके सो so, मैं जस्ट उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करेंगे चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए डिस्कस करता हूँ समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन हमें जो मेंशन कर दी गई है वो ये है वी इन इज लेस देस देन वी सी सी एंड वी रेफरेंस इज ऑल्सो लेस देन लेस देन वी सी सी यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है वी सी सी से और वी रेफरेंस का भी मैग्नीट्यूड क्या है बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू वी सी सी इस बात का क्या मतलब है देखिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट ये नहीं है एज यूजल जैसा कि हम जानते हैं वेन ओपैम ऑपरेट्स इन द नेगेटिव फीडबैक ओके तो हम जनरली ये कंक्लूड करते हैं कि इट ऑपरेट इन द लीनियर रीजन ओके और लीनियर रीजन में जब ये ऑपरेट कर रहा है तो उसका जो डिफरेंस है नॉन इन्वर्टिंग नोड और इन्वर्टिंग नोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि हम उन्हें वर्चुअली शॉर्ट सर्किट मान के चलते हैं यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है अभी जस्ट बिफोर क्वेश्चन में मैंने जो यूज किया वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट ओके यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोड और इन्वर्टिंग नोड का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा कम होता है अंडर द लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की तो हम उन दोनों को वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर मानते हैं तो एक तरीके से ये वही कंडीशन यहां यहां पर मेंशन की गई देखिएगा का वोल्टेज आपको मेंशन कर दिया गया है जीरो वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग नोड का अच्छा इन्वर्टिंग नोड के लिए जो सप्लाईज प्रोवाइड की गई हैं वी इन और वी रेफरेंस उनकी वैल्यू सेच्यूरेटेड वैल्यू से बहुत कम है वेरी वेरी लेस देन लेस लेस देन देन है इट्स वेरी वेरी ये वोल्टेज भी क्या है लो लो हैोल्टेज अप्लाई किए गए हैं इन दोनों वोल्टेज को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये दोनों वोल्टेज कैसे हैं लो वोल्टे इनफैक्ट हम बोल सकते हैं वेरी लो वोल्टेज सो so, ये जीरो है ये वेरी लो वोल्टेज है मतलब डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं इज ऑलमोस्ट टू बी जीरो ओके दिस इज जीरो एंड मे बी ये माइक्रो वोल्ट ऑर्डर के हुए तो उस कंडीशन में डिफरेंस क्या हो जाएगा माइक्रो वोल्ट ऑर्डर का हो जाएगा सो so, हम यहां पर यूज कर सकते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यानी कि वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहां पर एक लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन कर दिया है उसको एक भाषा दे दी है कि इस तरह से आप इसे अप्लाई करें अब ये कई बार अगर मान लीजिए हमने इसको नहीं सही से सीखा है तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बन सकता है बट ये स्टेटमेंट है वही किस कि दिस उपायम इज ऑपरेटिंग इन द लीनियर रीजन मतलब वी कैन यूज द वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर जो कंडीशन आपको दी गई है सेंस मैग्नीट्यूड ऑफ वी इन इज लेस देन लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी रेफरेंस इज लेस देन लेस देन वी सी सी ऑफ वी सी सी हैंस V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव ऑलमोस्ट ओके अबाउट टू हम इसे इक्वल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट या वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यानी कि यहां का वोल्टेज है जीरो वोल्ट तो इस इन्वर्टिंग नोट का वोल्टेज भी हम कितना मान के चलेंगे इसको नोट कर ले पहले आप इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज भी हम कितना मान के चलेंगे मान लीजिए आपने इसको कंसिडर कर लिया है कि ये है वी वन और ये है वी टू तो वी वन इक्वल टू जीरो और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके वी टू के सिंस वी नॉट यहां पर कितना दिया गया है जीरो वोल्ट दिया गया है अगर हम के सी एल अप्लाई कर दें क्रिच ऑफ करेंट लॉ एट वी टू इस नोड पर मान लीजिए आपने इसे नोड मान लिया ए है ओके okay? एट नोड ए अगर हम के सी एल अप्लाई करें तो क्या इक्वेशन बनेगी दोस्तों डेफिनेटली वी टू माइनस वी आउट अपॉन आर एफ प्लस वी टू माइनस माइनस बी रेफरेंस अपॉन आर प्लस वी टू माइनस वी इन अपॉन आर दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो सिंपली अगर मैं देखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि एक करंट इधर जा रहा है सपोज आपने आई वन मान लिया एक करंट इधर जा रहा है इसे आई टू मान लिया एक करंट इधर जा, जा रहा है इसे हमने आई थी मान लिया तो हम बोल सकते हैं केसीएल एट नोड ए आई बन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो केसीएलोड एट एम्प्लाइज आई बन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो अच्छा आई वन की वैल्यू क्या रखी गई है आई वन की वैल्यू रखी गई है वी टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर रेफरेंस प्लस आई टू की वैल्यू कितनी है वी टू माइनस माइनस वी रेफरेंस माइनस प्लस यहां पे दिया गया है ध्यान दीजिएगा वी टू माइनस माइनस वी रेफरेंस डिवाइडेड बाय जो भी रेजिस्टेंस यहां पे मेंशन है आर प्लस प्लस वी टू माइनस वी इन डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन बन रही है यहां से क्लियरली ओके okay, तो अब जरा इस इक्वेशन को हम रिअरेंज करें तो वी आउट की वैल्यू कितनी दोस्तों जीरो। की वैल्यू कितनी है जीरो। एक्सक्यूज़ मी। तो यह हो गया टर्म पूरा जीरो जीरो माइनस जीरो आर एफ ऑफकोर्स इट विल बी जीरो वी टू अगेन इज हियर जीरो हो गया जीरो प्लस वी रेफरेंस बाय आर ओके प्लस जीरो माइनस वी इन बाय आर इक्वल टू जीरो सो अगर आप इसको रियरेंज करें तो क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि जो वी रेफरेंस है वो वी इन के क्या होगा बराबर होगा, v reference is equal to v in यहाँ होगा वी रेफरेंस इज इक्वल टू वी इन यहां पर रिलेशन होगा जिससे कि आउटपुट वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू क्या आ सकेगी जीरो जनरेट हो सकेगी चलिए जरा एक बार ऑप्शन को देख लेते ऑप्शन 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 डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके सो आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चन दैट वाज आस्क इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2022 के पेपर में ओके दिस ईयर रीड करिएगा द स्टडी स्टेट आउटपुट वी आउट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो विल आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होगा स्टडी स्टेट आउटपुट मींस फ्टर मेकिंग द चेंजेस आपने एक लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्वेशन किया सर्किट का और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्टडी स्टेट आउटपुट मतलब एक फाइनल वैल्यू जैसे एक जैसे आपने कुछ चेंज किया तो देर इज अम ट्रांजिशन ऑफ अ स्टेट आफ्टर गेटिंग ट्रांजिशन फाइनली जनरेटेड वैल्यू दैट इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट आउटपुट ओके सो चार ऑप्शन में दिए डी सैरेट टू माइनस वी वी माइनस बिकम्स इक्वल टू पॉइंट वन चलिए ये सर्किट आपको दिया गया है चलिए सबसे पहले हमें यहां से रियलाइज करना है कि इस सर्किट में वी आउट का एक्सप्रेशन क्या आएगा द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू उसी के बेसिस पर हम कंक्लूड करेंगे कि अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो किस तरह से यहाँ पर जनरेट होगी सो so, अगर आप देखें तो नेगेटिव फीडबैक है ये सर्किट डेफिनेटली और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सर्किट इज जस्ट इंटीग्रेटर सर्किट ओके okay? ये सर्किट क्या है इंटीग्रेटर है हमने क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रेटर को सो so, फिर भी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए यहां पर नेगेटिव फीडबैक है मतलब लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा उपैम तो दो बातें हमें अगेन दिमाग में रखनी है आइडियल मान के चलेंगे तो यहां से करंट हो जाएगा जीरो उपाय में करंट जाएगा जीरो और नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज इज इक्वल टू होगा इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज दोस्तों यहां पर करंट कुछ जाना नहीं है तो यहां पर जीरो वोल्ट ड्रॉप होगा सो हम ये बोल सकते हैं कि इसका नोट वोल्टेज होगा जीरो वोल्ट ओके जिसको आपने वी वन मान लिया सपोज दैट और इसको हमने माना वी टू तो ड्यू टू तो वर्चुअल शॉर्टिंग हम बोल सकते हैं ड्यू टू तो वर्चुअल शॉर्टिंग V2 टू इज इक्वल टू वी वन वी टू इक्वल टू वी वन और जिसकी वैल्यू है जीरो वोल्ट ओके okay. अब अगर हम इस नोड पर किरच करंट लॉ अप्लाई करें <coughs> जैसे मान लीजिए हमने किया ये करंट आई बन है।, ये कितना है आई टू है ओपैम में करंट जीरो जा रहा है इसका मतलब है कि आई बन इक्वल टू तो आई टू है जितना इनकमिंग करंट उतना आउट गोइंग करंट अंडरस्टूड एट नोड वी टू यानी कि अगर हम नोड वी टू पर के सीएल लगाए के सी एल एट नोड वी टू तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस आई बन इक्वल टू तो वॉट I2. I1 current means incoming current that is equal to what? Outgoing current. So, I1 की value कितनी हो जाएगी कि बोलो 0.1 की supply यहां पर है ये zero volt पर है Potential difference 0.1 है so obviously यहां पर voltage कितना है 0.1 है So, 0.1 और 0, यानी कि V2. 0.1 minus V2 divided by resistance R1 equal to कितना होगा ये बोलो V2 टू माइनस वी आउट अपॉन कैपेसिटेंस वन अपॉन सी अब ये तो हो गया लाप्लास डोमेन में अब हम डायरेक्टली इसको टाइम डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी करंट ऑफ कैपेसिटर होता है IC इज इक्वल टू सी डीवीसी बाई डी टी ओके जब भी हम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर डिफाइन करते हैं तो डिफाइन लाइक दिस

ओके okay, सो so, यहां से यहां तक प्लस माइनस वी सी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सो so, दोस्तों यहां पर है वी टू वैल्यू यहां पर है वी आउट वैल्यू तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रॉम सर्किट वी सी इज इक्वल टू वी टी माइनस वी टू माइनस वी आउट इज दिस ऑल राइट ओके अच्छा वी टू की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो जीरो माइनस वी आउट यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं वीसी इज इक्वल टू है माइनस वी आउट इज इज करेक्ट ओके यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं c डी वी सी बाय डी टी ऐसे इसको लिखा जा सकता है क्लियर है बात सभी को ओके okay. अब अगर आप जरा वी सी की वैल्यू जो है वो क्या है बेसिकली माइनस वी आउट है इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें सो सिंस वी टू हमारे पास है जीरो और वी सी जो है वो है माइनस ऑफ वी आउट तो इन दोनों को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये तो जीरो हो गया पॉइंट वन यहां से इधर आ जाएगा ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जरा देखना डी वी आउट बाय डी टी डी वी आउट बाय डी टी इज इक्वल टू ये पॉइंट वन अपॉन आर C इंटू सी और ये माइनस साइन है तो यह आएगा माइनस वन अपॉन R1 सी पॉइंट वन अपॉन ये जनरेट होगा अगर हम इसको थोड़ा सा करें रिज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एक स्टेप अगर आप और लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी आउट ओके सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स सो वी आउट इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से माइनस पॉइंट वन बाय आर सी

आउटपुट जनरेट होगा वो नेगेटिव रैम्प होगा अगर आप ग्राफ से भी इसको ऑब्जर्व करें तो ग्राफ से भी इसकी वैल्यू अगर हम देखें ग्राफिकली मान लीजिए तो आप एक चीज ऑब्जर्व इसमें कर सकते हैं आसानी से नेगेटिव स्लोप के साथ इसकी वैल्यू यहां से जनरेट होगी टी इज इक्वल टू जीरो के ऑनवर्ड्स अगर आप देखें इस तरह से मूव करेगा अब जैसे मान लीजिए हम इसमें टी की वैल्यू को इंक्रीज करते आउट क्या हो जाएगा मोर निगेटिव होता जाएगा इस तरफ टी की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं टाइम स्केल पर तो वी आउट की वैल्यू मोर निगेटिव होती चली जाएगी ओके okay? यानी कि अगर आप t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखें तो v आउट यहां पर जनरेट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और जैसा हमने थ्योरी में डिस्कशन भी किया है देर इज नथिंग लाइक माइनस इन्फिनिटी इन द वी से दिस इज इक्वल टू माइनस वी सैचुरेटेड जब भी वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी आएगा इसका मतलब है कि वी आउट जो है वो कितना है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितना हो सकता है माइनस वी सेट यानी कि दोस्तों एक लेवल ऑफ टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाएगी वैल्यू कहां पर वी माइनस वी सेट पर

थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन किया हुआ है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस इंफिनिटी को हम लिखते हैं माइनस वी सेट अंडरस्टोड सो दो ये था गेट इलेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का दो हजार बाईस का क्वेश्चन इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बेसिक टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन में से इंक्लूड किया जाना चाहिए सो so, uh, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर हम बात करेंगे कुछ और रिसेंट ट्रेंड सीरीज के क्वेश्चंस के बारे में सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन थैंक यू सो मच